हमीरपुर में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 5 दक्षिणी राज्य में भाजपा सरकार बनाएगी तो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों की अनदेखी किए जाने की वजह से गांधी परिवार को दक्षिण भारत का रुख करना पड़ा है, लेकिन वहां पर भी शर्मसार टिप्पणियां करने से बेबाज नहीं आ रहे हैं। अनुराग ने हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस के राज्यपाल के व्यवहार पर भी कड़ी निंदा जाहिर की। हिमाचल विधानसभा में बजट अधिवेशन के दौरान महामहिम राज्यपाल के साथ हुए व्यवहार पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की छवि को पूरी दुनिया में धक्का लगा है और विपक्ष का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के साथ विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कुछ पदों की अपनी गरिमा है जिनको दरकिनार करते हुए विपक्ष ने बदसलूकी की है। अनुराग ने कहा कि विपक्ष को किसी मुद्दे पर कमियों पर सदन में बात रख सकते थे, लेकिन धक्का मुक्की करने से संदेश सही नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि संसद से सड़क तक कांग्रेसी नेताओं ने नई ऊंचाइयां छूने का रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश की देश और दुनिया में जो छवि है उसको कल गहरा धक्का लगा है, और जिस तरह से माननीय विधायकों का विपक्ष की ओर से व्यवहार रहा वो बहुत ही निंदनीय है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, विरोध करने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन कुछ पदों की गरिमा भी है, और संवैधानिक पद पर जो लोग हैं उनके प्रति हमारी क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिरकार अगर गवर्नर महोदय ने अपना अभिभाषण रखा भी तो विपक्ष के पास पूरा मौका है कि जब उस पर चर्चा होगी अगर उनको उसमें कोई त्रुटियां नजर आती हैं, कुछ कमियां नजर आती हैं, उसमें विस्तार में अपनी बात रख सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात ना रखने का और केवल धक्का मुक्की करने से, जोर जबरदस्ती करने से ये संदेश सही नहीं है। कुछ कांग्रेस के लोग, बड़े नेता लोकसभा में रहकर वहां पर झूठ बोलते हैं। संसद से सड़क तक कांग्रेस ने झूठ की नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की। इनके नेता किसान कृषि बिल पर पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। एक लाइन नहीं बता पाए वो कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां पर लिखा है एमएसपी बंद होगा। एक लाइन आज तक पूरी कांग्रेस पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बता पाई, लेकिन सड़कों पर जाकर किसान को गुमराह करने का काम करती है, विधानसभा के बाहर गवर्नर साहब से धक्का मुक्की करती है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है, हिमाचल को शर्मसार करता है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर के सर्वहित सुधार भवन में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अनुराग ठाकुर ने भाजपा मंडल हमीरपुर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा के अलावा मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार से 4 पीढ़ियों को यूपी से बार बार देखने का मौका मिला है, लेकिन अपनी क्षेत्र की अनदेखी करने पर दक्षिण भारत का रुख करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने दक्षिण भारत के लोगों पर भी निंदनीय टिप्पणियां की हैं, वे भी शर्मसार करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत को एक मानती है, लेकिन कुछ नेता यूपी बिहार राज्य को नीचा दिखाने का काम करते हैं, इसलिए किसी भी राज्य के बारे में टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। एक और राहुल गांधी जी है जिनके परिवार से 4 पीढ़ियों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जीतने का अवसर मिला, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे जहां पर बार बार जीतने का अवसर मिला, और उन्होंने ही अपने क्षेत्र की अनदेखी की थी कि उनको दक्षिण भारत का रुख करना पड़ा और वहां जाकर उत्तर भारतीयों को जिस तरह से टिप्पणी की गई वो भी शर्मसार करने वाली थी।
उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम भारत को एक मानते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसमें विश्वास रखते हैं। कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठकर भी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और बाकी राज्य के लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद वो भूल गए भारत के निर्माण में हर भारतीय का, हर राज्य के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। पांच राज्य में चुनाव के शंखनाद पर अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पांचों राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और पांचों राज्यों में शानदार प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एक समान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि असम पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे तो केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा सरकार बनाएगी। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, असम में हम फिर सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतों के साथ भाजपा वहां पर सरकार बनाएगी, पुडुचेरी में हम सरकार बनाएंगे और आप देखना हम तमिलनाडु और केरल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पांच की पांच स्थान पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब इन राज्यों को लेकर देश को और आगे बढ़ाने के लिए पूरा पूरा योगदान करवाएंगे।